हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे परेशान है सर, टर्म टू कब से होंगे? तो कुछ स्टेट वाइज लिस्ट आ चुकी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम टेबल और टाइम टेबल एंड अदर अपडेट्स, ठीक है, स्टेट वाइज लिस्ट आ चुकी है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में महाराष्ट्र का दे रखा है। महाराष्ट्र का जो पेपर है 12th क्लास का, वो 4 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे 28 मार्च से लेके अप्रैल के बीच में यह भी होगी। मिजोरम की बात करें तो यहाँ भी देखा फरवरी में, फरवरी और मार्च के बीच में यहाँ भी है। तो आप ज्यादातर देखोगे कि कुछ का फरवरी में, बाकी सबका मार्च और अप्रैल में, मतलब एंड ऑफ मार्च और अप्रैल की शुरुआत में, यानी कि आप 15 मार्च के बाद रेडी रहिए, ठीक है। और यूपी की बात करें तो यहाँ पे फरवरी की बात हो रही है, एमपी में फरवरी की बात हो रही है। बिहार में अगर देखें तो लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम विल बिगेन 17th फरवरी एंड एंड ऑफ 24th फरवरी, यानी अभी भी फरवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और साथ के साथ क्लास 12 को सपोर्ट करने के लिए मैंने आपके लिए मार्क्स बूस्टर, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियोस की लिस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ डाल दिया, फॉर्मूला भी, फॉर्मूला बुकलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, सारी चीजें पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी मान के लो 15 मार्च के बाद ही होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, और उसी के आसपास होंगे। क्योंकि रीजन इसका ये होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होते हैं अप्रैल में बहुत सारे, तो इसलिए अप्रैल में होने ही होने, तो मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक तक या 15 अप्रैल तक हर हालत में पेपर खत्म हो जाएंगे, अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और लास्ट में एक बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।